एक और अहम खबर यह है कि 500 और 1000 के नोट बैन के बाद भारी मात्रा में सोने की बिक्री करने वाले ज्वेलर्स पर सरकार की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक सीबीईसी के एक्साइज इंटेलिजेंस विभाग ने सभी ज्वेलर्स को अपने सीसीटीवी का फुटेज देने के लिए कहा है। दिल्ली में दरीबा और करोल बाग के कुछ ज्वेलर्स से सीसीटीवी फुटेज को जब्त भी किया गया है। जी बिजनेस संवाददाता आलोक हमें इस पर और जानकारी देंगे। जी आलोक, सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है उसके मुताबिक जो दरीबा कला के और करोल बाग के जो बड़े ज्वेलर्स हैं, कुछ चांदनी चौक के भी, उनसे सीबीसी डिपार्टमेंट ने फुटेज मांगा है और लगातार उनसे फुटेज जब्त कर रही है कि जो मंगलवार की रात की बात जितने भी उनके पास सेल्स हुई है, जितने भी फुटफॉल्स हुए हैं उसको, उस पर नजर रखने के लिए। बताया जा रहा है कि जो वहां के बड़े ज्वेलर्स हैं जैसे कि बद्रा ज्वेलर्स, महालक्ष्मी ज्वेलर्स, श्रीराम ज्वेलर्स, इनके फुटेज को सीबीसी के जो इंटेलिजेंस विभाग है उसने जब्त कर लिया है। तो ये तमाम वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि ये पता किया जा सके कि इन ज्वेलर्स ने कितना कैश लेकर सोना या उसके बदले ज्वेलरी दिया है। तो सीबीसी की ये तमाम तरीके हैं वो अपना रही है और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस विभाग है उसने पिछले चार दिनों के, जो 7, 8, 9 और 10 तारीख तक का पूरे सेल्स का, बिल्कुल 8 तारीख को इसका ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा और उसके बाद का फुटेज ज्वेलर से मांगा गया। शुक्रिया आलोक जानकारी के लिए।